मशीन कुछ नया बनाया जाए। क्या नया बनाएंगे? टेस्टी एंड हेल्दी होना चाहिए, ये तो हमारा मोटो है। वेलकम बैक, मैं कस्तूरी आप सबको स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर कस्तूरी कैंस किचन पर। आज हम एक नया डिश और हेल्दी डिश बनाएंगे जो मेरे दिमाग में आया है। आज हम बनाएंगे नारियल के टिक्के विद करी। कैसे बनेंगे इंग्रेडिएंट्स देखने से पता चलेगा, फिर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। टीका और करी बनाने के लिए ये सब हमें सामग्री में चाहिए। अभी चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में हमें पहले चाहिए 4 ऐसे तेज पत्ते, मैं जैसे धोकर सुखाकर इसको इस्तेमाल के लिए रखी हूँ। और यहाँ पर हमें चाहिए 1 बड़ी चम्मच जीरा, 8 से 10 लौंग, काला मिर्च का बीज करीबन 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच हमें एवरेस्ट का छोले मसाला खट्टापन लाने के लिए, 1 छोटी चम्मच पतंजलि पाव भाजी मसाला, 1 छोटी चम्मच पतंजलि पनीर मसाला, 1 छोटी चम्मच हमें धनिया पाउडर चाहिए। और चलते हैं अपने मेन इनिग्रेट की तरफ। ये हमारा मुख्य सामग्री है। 2 बड़े कद्दूकस हमें चाहिए यहाँ पर नारियल, अच्छे से इसको कद्दूकस करके रख ली हूँ। और 2 टमाटर का हमें चाहिए प्यूरी, इसे मैं प्यूरी निकाल दी हूँ। बेसन, 1 छोटा सा बाउल, हल्दी हमें करी और टिक्का बनाने के लिए चाहिए, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, राइस पैन ऑयल हमें चाहिए पैन फ्राई और करी बनाने के लिए, टिक्का का पैन फ्राई करी बनाने के लिए। ये 2 तरह का प्याज है काट के मैं रखी हूँ, ये टिक्के के लिए चाहिए। ये करीबन 2 बड़े प्याज फाइनली चॉप्ड, 2 इंच का अदरक ऐसे ग्रेटेड करते हुए कद्दूकस, कड़ी पत्ता 4 से 5 स्ट्रिंग्स। और ये सब सामग्री हमें टिक्का प्रिपरेशन के लिए चाहिए। अब चलते ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए 10 से 15 हमें भिगो के रखे गए थे काजू अभी हम चाहिए, और 2 बड़े प्याज ऐसे क्यूब साइज में कटे हुए, 4 से 5 लहसुन इस तरह से छिलके निकाल के चॉप कर दिए गए हैं, अदरक हमें चाहिए 2 इंच के इस क्यूब साइज में कटे हुए, हरी मिर्च 2 ऐसे चॉप कर दिए गए हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसको अवॉइड कीजिए। ये हमें ग्रेवी बनाना है तो पहले हम इसका बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई ले जाइए, इसमें हम तेल ले लिए 1.5 टेबल स्पून का राइस ब्रान ऑयल, जीरा लौंग काला मिर्च और तेज पत्ता डालते हुए उसको सेटर करते हुए अदरक लहसुन काला मिर्च इन सबको हम डालते हुए इसको सारा भून लेंगे। भूनने के बाद काजू डाल देंगे, प्याज डालते हुए थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से जल्दी से भून जाए, इसको मिला लेंगे लो फ्लेम। प्याज और बाकी स्पाइसेस अच्छे से कुक हो गए, इसमें बड़े 8 चम्मच हम डालेंगे कोकोनट और टमाटर प्यूरी। इसको मिक्स करके भूनना है प्रॉपरली। 1 छोटी चम्मच हम हल्दी डालेंगे, अभी कोई पाउडर मसाला पाउडर नहीं डालना है क्योंकि भूनने के टाइम में क्या होता है ना, मसाले के टेस्ट और स्मेल्स चले जाते हैं। हम ये जब अच्छे से टमाटर कोकोनट हमारे भूंगे 5-8 मिनट के बाद, हम अभी इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, पाव भाजी पाउडर, छोले मसाला और पनीर मसाला सब 1 छोटी छोटी चम्मच। 3 मिनट तक इसको भूनना है, उसके बाद हम फ्लेम टर्न अप कर लेंगे। ये हमारे अच्छे से पक गए हैं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैं अभी गैस टर्न अप करती हूँ और दूसरी तरफ हम फ्राइंग पैन ले जाते हैं। इसको प्री हीट करने के बाद उसमें 2 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें जीरा का छोंक लगाना है, ग्रेटेड अदरक, कड़ी पत्ता, ऐसे स्पार्कलिंग इफेक्ट आने तक इसको हम थोड़ा सेट करेंगे, थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्याज, उसको थोड़ा भून लेंगे हल्का सा, थोड़ा नरम होने के लिए, और कोकोनट हम डालेंगे
कोकोनट बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है, खासकर इस कोरोना के दौर पर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और स्मूथ बॉलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही अच्छा है। प्याज और कोकोनट को हम थोड़ा भुनेंगे लो मीडियम फ्लेम पर, ओकेजनली स्टीर करेंगे। अब ये मसाला हमारा ठंडा हो गया, ग्रेवी का पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंडर में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी ज़रूरत के हिसाब से। अब इधर चलते टिके के लिए, हम डालें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच पनीर मसाला, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, जो जो हम मसाले ग्रेवी के लिए डाले थे वही डालेंगे, ताकि मसाले का टेस्ट और टीके में वही सेम टेस्ट आए, ताकि हमें टीका फीका ना लगे, दोनों बराबर का टेस्ट है। मैं ये सेम कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, वो इसको हम थोड़ा प्री हीट कर लेंगे तेल डालते हुए। टीका का मिक्स हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ग्रेवी को हम कुक करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा पानी डालकर इस तरह से। अब ये हमारा टीका का मिक्स अच्छे से ठंडा हो गया है, इसमें हम जाएगा बेसन। अब दूसरी तरफ हम अपना फ्राइंग पैन को प्री हीट कर लेते हैं, करीबन आधा बड़े चम्मच ऑयल डालते हुए। इस तरह से टिके मिक्स होने के बाद एक स्मॉल बाउल लेकर आप इसे फ्लैटन कर सकते हैं, या फिर हाथ में ऐसे तेल लगा कर एक छोटा सा लुई जैसा लेकर ऐसे फ्लैटन करके आप ये कर सकते हैं। अगर आपका व्रत वाला दिन है प्याज लहसुन अवॉइड कर लीजिए, फिर भी ये टेस्टी बनेगा। ओके, बिना कोई क्रैक किए हम इसको ऐसे करेंगे, दोनों तरफ इसको कुक करना है गोल्डन ब्राउन होने तक लो मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद एक प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहे तो बाउल में डालते हुए ग्रेवी ऊपर से डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ग्रेवी में टिके को डाल सकते हैं। और टिके डालते समय ग्रेवी हमारा अच्छे से कुक हो गया है, हम गैस को टर्न अप कर देंगे। वाओ, हमारा हेल्दी नारियल के टिके और करी इज नाउ रेडी टू सर्व। इसको हम प्लेटिंग करेंगे, ऊपर से ग्रैनिश करेंगे ऐसे कॉर्नेटो लिप्स से। हैव दिस हेल्दी डिश। Thank you for watching. Don't forget my class. Comment, like, and subscribe. Share. Thank you. Take care.